दोस्तों ये नदी का किनारा यहाँ पर है और यहाँ देखिए ये बफैलो भैंस आ रही है और यहाँ पानी बारिश हुई है तो पूरा जलमग्न हो गया है। देखिए पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है, ये देखिए पूरा क्षेत्र। यहाँ पर अच्छी अच्छी फसल होती हैं जो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखिए बारिश में कितना क्षेत्र पूरा का पूरा ये पानी भरा हुआ है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर पानी बहुत है, बारिश बहुत हुई है तो यहाँ पर बारिश का, यहाँ पर नदी के किनारे यहाँ पर क्षेत्र है और पानी का जो बहाव है वो नदी की तरफ जाता है। ये पूरा यहाँ पर जो पास में गांव है उस गांव के लोग जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से निकल करके और दूसरी जगह प्रस्थान कर लेते हैं। बारिश भर जब बाढ़ आती है यहाँ पर तो लोग अपना पूरा का पूरा गांव यहाँ खाली कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह से पूरा भरा हुआ पानी है। हम आराम से धीरे धीरे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर पास में मंदिर है और अभी मंदिर चलते हैं, वहाँ पर मंदिर का कैसा हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मंदिर के क्षेत्र में देखिए यहाँ पर बारिश हुई है जो कि पानी पूरा भर गया है। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर लासा सिटी के नाम से यहाँ पर ये बन रहा है जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर पानी से भर गया है। यहाँ पर दोस्तों बहुत बारिश हुई है जो कि यहाँ आ करके और पूरा पानी भर गया है। यहाँ पर हम आगे और चलते हैं, देखते हैं मंदिर के पास में क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मंदिर देखिए, मंदिर पूरा का पूरा यहाँ पर हम मंदिर के पास में आए हैं जो यहाँ की मंदिर के पास में देखिए ये रोड पे पानी यहाँ पर बह रहा है। यहाँ पर ये देखिए पूरा ये रोड, ये बहुत पानी बहुत तेज यहाँ पर बरस रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर लासा गांव है, यहाँ पर मंदिर ये पानी डूबा हुआ है काफी, मतलब बारिश की वजह से। हाँ बहुत यहाँ पे बाढ़ वाला, जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो गांव में यहाँ पर आप रहते हैं कि बाहर कहीं जाना पड़ता है आपको? बाहर तो सबको निकलना पड़ता, निकलना है, मैटरिंग की सुविधा है, बाहर ही जाना पड़ता है। जैसे बारिश खूब हो गई तो फिर कैसे आप जाते हैं बाहर? पहले नाव चल रही थी, अभी कुछ नहीं है, पैदल निकलो। पैदल अगर बारिश ज्यादा हो जाए, पता चले रात में आप सो रहे हैं, बारिश खूब हो गई, उसके बाद फिर जो है कैसे? नाव से जाना पड़ेगा। अच्छा तो नाव गांव में है आपके? नहीं है। तो फिर ये वाले गांव में है? हाँ है, नदी में। अच्छा अच्छा, उसमें है बसाहरी गांव। अच्छा तो वहां से बुलाना पड़ता होगा? हाँ, बुलाना पड़ता। अच्छा तो देखिए ये यहाँ के लोग हैं जो यहाँ बता रहे हैं कि बारिश अगर होती है तो नाव से जो है निकलना पड़ता है गाँव को। यहाँ पर देखिए कितनी इतनी बारिश हुई है कि यहाँ रोड के ऊपर पानी बह रहा है और मंदिर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ देखिए ये पूरा पानी से जलमग्न है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर पूरी फसल यहाँ की नष्ट हो गई, चली गई है। दोस्तों ये है किसानों का जीवन, गांव का जीवन। यहाँ पर दोस्त बहुत संघर्ष से यहाँ पर जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को उपजाते हैं। ये देखिए गांव के वासी यहाँ पर, ये देखिए छोटी बिटिया है, ये यहाँ पर देखिए जा रही है और पानी निकल रहा है और पानी में जा रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर गांव में अपने जा रहे हैं, इतनी भरी बारिश में यहाँ पर गांव को जा रहे हैं और पानी किस तरह से रोड के ऊपर बह रहा है। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर जब बारिश होती है तो बहुत पानी ही पानी होता है यहाँ पर।
देखिए किस तरह से यहाँ के लोग अपने गांव घर जाते हुए। ये देखिए यहाँ पर निकलते हुए जो गांव के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये मंदिर है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।